मंदसौर जिले से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित है भगवान बंजारी बालाजी का मंदिर, जहां पर होते हैं भगवान बालाजी के साथ शिव एवं नवग्रह के साथ महादेव शिव शंकर के शिवलिंग के दर्शन। जब हमारे समाचार एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने बंजारी बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित कल्याण दास से मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पौराणिक मंदिर कई वर्षों पुराना है। बताया जाता है गांव पानपुर के निवासी गोविंदलाल किशनलाल प्रजापत यहां अपने बैल चलाने आए थे। तब गोविंदलाल ने भगवान से बोला मुझे प्रसाद दो, तो भगवान बंजारी बालाजी ने गोविंदलाल को गंगा जल दिया। उसके बाद गोविंदलाल ने जाकर किशनलाल प्रजापत को बोला कि भगवान ने मुझे गंगा जल दिया, तो उसने बोला कि मुझे भी चाहिए, तो भगवान बंजारी बालाजी ने उनको भी प्रसाद दिया। उसी के बाद मंदिर की पूजा अर्चना चालू हो गई। वहीं बंजारी बालाजी में महात्मा ने यहाँ पर लगभग 14 वर्ष तक पूजा अर्चना की। उसके बाद महात्मा देवलोक भ्रमण हो गए। तभी कल्याण दास निवासी पीपल खुड़ा रतलाम के महात्मा बंजारी बालाजी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर को बंजारी के नाम से पहचानने लगे। पुजारी कल्याण दास जी से कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ था और बंजारी बालाजी नाम कैसे पड़ा जी, पंडित जी बताइए। ये बंजारी गांव खेड़ा था, खेड़ से परंपरा से चला आ रहा और यह बंजारी नाम से पूरे भारत में परिचित हो गए। यहाँ पे कितने पब्लिक आती है और कब? पब्लिक आती है, हनुमान जयंती का मेला भी बिकता है और हर मंगलवार पब्लिक आती है। ये मंदसौर से कितना दूर है मंदिर? 9 किलोमीटर। ये बंजारी बालाजी मंदसौर से 9 किलोमीटर। यहाँ देखा गया है कि शनि मंदिर के जब पूजा होती है कितने लोग इकट्ठे आते थे और कितने दिन कितने कितने लोग आते हैं? यह शनि मंदिर में शनिवार के दिन आ जाते हैं। अच्छा सर, और यह नवग्रह देवता का जो मंदिर बना है किसने मंदिर बनाया है और कौन है यहाँ की पूजा करते हैं? अच्छा, आप कुछ करते हैं? कितने वर्षों से आप पूजा कर रहे हो यहाँ? 20 साल हो गए। 20 साल से। क्या नाम बताया आपने? कल्याण।